चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें जो पहला आंसर था, आप इसे आंसर कीज मानकर चल सकते हैं कि इसके सारे आंसर्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर एक दो आंसर में डाउट रह गया तो उसे आप बाद के लिए रख सकते हैं या खुद सर्च कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको 200+ वीडियोज़ आप लोगों को मिल जाएंगे इंग्लिश लिटरेचर की। एसेज वाइज हैं, कुछ टॉपिक वाइज हैं, तो आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको किसी अगले एग्जाम के लिए, या आप खुद का जो नॉलेज है उसे इन्हांस करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आंसर्स देखते हैं कि मेरे हिसाब से कौन से आंसर्स होने चाहिए और जो मैंने सर्च किए हैं वो कौन से हैं। द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड डी, अ टैक्स ऑन चिल्ड्रंस क्लॉथ्स। सेकेंड, आई फील वेरी टायर्ड एज आई वेक अप इन द मॉर्निंग। थर्ड, द वाइस प्रेजिडेंट वॉज इन्वाइटेड टू गिव प्राइजेस टू द विनर्स अवे। द मीनिंग ऑफ मिटिगेट इज लेसन, एंड चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपका होगा, शी सेड टू मी, वट कैन आई डू फॉर यू। शी आस्क्ड मी वट शी कुड डू फॉर मी। नेक्स्ट इज, हाउ मेनी लाइन्स डज द पैरेट मीटर ट्रेडिशनली कंसिस्ट। तो आंसर था 4, मैं 8 करके आया था। द मीनिंग ऑफ वर्ड हमारसिया इज फैटल फ्लो ए, एंड द मीनिंग ऑफ विन लॉरल मीन्स सी विनिंग फेम। इसके बाद था अ मैन हु हैज़ ईयर्स। ये काफ़ी इजी एक पैराग्राफ आया था, ये पैराग्राफ आप लोग पढ़ सकते हैं और फिर आप आंसर्स देख सकते हैं अगर आप और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप प्रैक्टिस सेशन मान के चल सकते हैं इसको, क्योंकि आई थिंक लर्निंग नेवर एंड्स, वी शुड कीप ऑन लर्निंग। ये काफ़ी इजी पेपर था मेरे हिसाब से। तो देखते हैं, अ मैन हु हैज़ नो ईयर्स एंड आइज इज़ लाइक। तो सेकेंड बी आंसर था। और हिटलर शोड हिज फेमिलियरिटी विज सी यूरोपियन हिस्ट्री। हिटलर डिराइव्ड हिज सेंस ऑफ मिशन फ्रॉम हिज सेंस ऑफ हिस्ट्री, एंड द राइज एंड द फॉल ऑफ सिविलाइजेशन फैसिनेटेड हिटलर। फर्स्ट ए। एंड 13, हिटलर वॉज बॉर्न एट मोमेंट वैन द बर्गोइस वर्ल्ड ऑफ द 19th सेंचुरी वॉज डिस इंटीग्रेटिंग। सी वुड बी आंसर। सॉरी, इसमें जो 14 है उसमें आप लोगों को इसमें पूछा गया था पर्सोनिफिकेशन मेटानोमी में, दो कन्फ्यूजन था सभी को, और इसमें पर्सोनिफिकेशन आंसर होगा क्योंकि मेटानोमी में सब्स्टिट्यूट किया जाता है उसे, ठीक है, तो इसलिए आंसर पर्सोनिफिकेशन ही होगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड इनकॉग्निटो। इट मीन्स इन डिस्गाइज। सी, एंड व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रबिश। सो डी विल बी गार्बेज। सो अकॉर्डिंग टू पोइट्री इट कैन बी डिफरेंट, बट दीज आर आंसर्स अकॉर्डिंग टू मी। डिफेंस ऑफ पोइट्री इज रिटन बाय, ये जो लिखा गया था पी बी शैली ने लिखा था। हु हैड रिटन इंट्रोडक्शन टू गीतांजलि बाय टैगोर, ये डब्ल्यू बी येट्स ने लिखा था। जो अमीलिया है फील्डिंग का जो नॉवल है वो पब्लिश हुआ था 1751। सो बी विल बी आंसर। द इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच रेवल्यूशन। 21 का आंसर होगा आर के नारायणन, प्राइवेट, सॉरी मुल्कराज आनंद आपका आंसर है, क्योंकि आर के नारायण मैंने कर ली थी मिस्टेक, जबकि मैंने आप लोगों को ये वीडियो बनाकर भी दिया था कुछ ही दिन पहले, फिर भी मिस्टेक हो जाती है। मुल्कराज आनंद मैंने की जगह मैं उसे आर के नारायण करके आ गया, तो इस तरह से मिस्टेक्स होती रहती हैं। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ मिस्टेक्स, कीप ऑन लर्निंग। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डज नॉट बिलोंग टू सरोजनी नायडू। तो आंसर था आपका द टेम्पल, ये एक्चुअली हर्बर्ट ने लिखा था, जॉर्ज हर्बर्ट ने। और विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम हैज़ बीन रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर, ये था टू माई डॉटर। और लकीली मैंने इसे सिर्फ 2 दिन पहले इस पोइम को इंजॉय किया था, पढ़ा था। और टू विच सेंचुरी डिड चार्ल्स लैम बिलोंग, ये सभी को पता होता है कि 18th सेंचुरी। एंड वट वॉज द पेन नेम ऑफ ए जी गार्डनर। डी विल बी आंसर, अल्फा अपलो, बहुत फेमस है। फ्रॉम हुम डिड फ्रांसिस बैकन ड्राइव हिज कॉन्सेप्ट ऑफ एसे। तो उन्होंने मॉन्टेन को किया था। बी विल बी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्क ऑफ विलियम हैजलिट द प्लेन स्पीकर। सॉरी, आपका था इसमें जो विलियम हैजलिट का नहीं है, आंसर है आपका टेल फ्रॉम शेक्सपियर, बी आंसर है, मैंने इसे टिक कर दिया है। एक्चुअली वो वर्क, ये भी विलियम हैजलिट का ही वर्क है। आपका जो आंसर होगा टेल फ्रॉम शेक्सपियर है, चार्ल्स लैम और मैरी लैम दोनों ने लिखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू ए जी गार्डनर, आंसर है आपका पिलर्स ऑफ सोसाइटी। ट्रेन टू पाकिस्तान बहुत फेमस वर्क है खुशवंत सिंह का।
और द लॉन्ग साइलेंस शशि देशपांडे। बर्टिन रसेल वॉज बॉर्न ऑन इन 1872, सो आंसर विल बी डी। एंड अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफी ये बर्टिन रसेल ने लिखी थी। विंग्स ऑफ फायर ऑटोबायोग्राफी है, हम जानते हैं APJ अब्दुल कलाम जी की। और अ रूम ऑफ वंस ओन वॉज रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ। हु हैज़ क्रिएटेड द फेमस कैरेक्टर रोजी, ये आर के नारायण की द गाइड में है। और बी विल बी आंसर। इन इन विच ईयर वॉज अरविंद अडिगास नॉवल द वाइट टाइगर गॉट मैन बुकर प्राइज, तो 2008 में मिला था उन्हें। हु अमंग द फॉलोइंग नॉवलिस्ट हैज़ रिटन अबाउट ओपियम वॉर, तो आंसर है आपका राजा राव बी। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉवल रिटन बाय हेनरी फील्डिंग टॉम जॉन्स, ए विल बी आंसर। एंड विच वॉज फर्स्ट पब्लिश नॉवल ऑफ थॉमस हार्डी, तो आपका आंसर है अंडर द ग्रीनवुड ट्री, फर्स्ट ए। इसमें थोड़ा सा मुझे हल्का सा डाउट था इसलिए मैंने इसे लिखा है, बट स्टिल यू कैन टेक फर्स्ट और यू कैन सर्च। ना हु अमंग फॉलोइंग इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, ओके यू कैन सर्च। अगर आप किसी दो चार क्वेश्चन से सेटिस्फाइड नहीं होते तो आप खुद से सर्च कर सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग नॉवलिस्ट बिगेन हिज लिटरेरी करियर एज अ ड्रामेटिस्ट, तो आंसर होगा आपका हेनरी फील्डिंग। अब आपका 57, व्हेन वाज महेश दत्तानीस प्ले डांस लाइक अ मैन फर्स्ट परफॉर्म्ड, ये आपका होता 1989 में। इन विच ईयर डिड द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्लेज अपियर, 1623। हु सेड अबाउट शेक्सपियर दैट ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये बेन जॉनसन ने था। यही भी मैंने आपको वीडियो बना के दिया था, बट स्टिल आई फॉरगॉट, मैंने रॉबर्ट ग्रीन का लिया था, तो समटाइम्स इट हैपन्स। लेट्स गो टू 60। इन द प्ले द टेम्पेस्ट प्रॉस्पेरो इज द ड्यूक ऑफ मिलन विल बी आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ यूनिवर्सिटी विट्स, सो फ्रेंसिस बेकन विल बी आंसर। इन विच ईयर वॉज द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पब्लिश्ड, 1997। एंड विच वॉज द फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे, अप इन द मिशिगन, फर्स्ट ए आंसर। एंग्री रिवर वॉज बाय रश्किन बॉन्ड। एंड विच ईयर वॉज गाय डी मॉपसेंट वॉज बॉर्न, 1850। वेलुथा वॉज प्रोमिनेंट कैरेक्टर इन द नॉवल ऑफ अरुंधति रॉय। विच अमंग द फॉलोइंग नॉवल्स इज नॉट अ वर्क बाय शशि देश पांडे, आपका फोर्थ आंसर है नेक्टर इन सीव। सेंटियागो वॉज अ कैरेक्टर इन हेमिंगवेज वर्क, ओके सो आंसर विल बी बी। द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वॉज इंट्रोड्यूस्ड, इसका आंसर होगा आपका ए कैक्सटन। हु वॉज एसोसिएटेड विद थ्योरी ऑफ डिकन्स्ट्रक्शन, जैक्स डेरिडा। इन विच ईयर वॉज द प्री रेफलाइट ब्रदरहुड इस्टेब्लिश्ड, 1848। इन विच सेंचुरी दे डिड द रिनेसा बिगिन इन इटली, 14th सेंचुरी। हु रोट द नॉवल द वॉइस आउट, ये आपका है वर्जीनिया वुल्फ का, अ फॉर्म ऑफ वर्स, इसका आंसर बी है बैलेट, 74 का बैलेट। एंड हेरोइक कपलेट कंसिस्ट, इसका आंसर आपका डी, आइम्बिक पेंटामीटर, लाइंस राइम्ड इन पेयर्स। बीच के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे उन्हें कर लेते हैं। ए एम फॉरेस्टर की जो नॉवल थी अ पैसेज टू इंडिया, इट गॉट पब्लिश इन यू नो डी 1924। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्क बाय अमिताभ घोष, हंग्री टाइड, आंसर विल बी ए। इन विच द फॉलोइंग प्लेस ऑफ बर्नार्ड शॉ मार्च बैंक अपियर, ये कैंडिडा कैंडिडा में था ये कैरेक्टर। देयर इज अ सोल ऑफ गुडनेस इन इविल थिंग्स इविल, ये आपका विलियम शेक्सपियर का की कोटेशन है। नेम द प्ले, इसमें आपको प्ले करना था इट्स अ टेल टोल्ड बाय यू नो इडियट, मैंने पिछले उसमें आपको ये बताया भी था इसको शॉर्टकट बना के कि इट इज टेल टोल्ड बाय एंड टोल्ड बाय मैकबेथ, ऐसे इसको शॉर्टकट बनाया था हमने पिछली वीडियो में। हु ट्रांसलेटेड विजय तेंदुलकर शांतना, ये तो इसका आंसर था आपका प्रिया अदारकर, ए विल बी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट प्ले बाय हेरोल्ड पिंटर, तो आंसर है आपका द रूम, 1913 में चित्रा पब्लिश हुई थी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, सो आंसर विल बी सी। अब इसमें देख लेते हैं, हु पायनियर्ड हेरोइक कपलेट इन इंग्लिश, जॉफ्रे चौसर। हु हैज़ रिटन द फॉलोइंग लाइन्स, इसमें आप देख सकते हैं ये इट इज मोर टू गाइड देन स्पर द म्यूज स्टीड, ये सी आपका आंसर है पोप। शशि देश पांडे वॉन साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हर नॉवल दैट लॉन्ग साइलेंस। द टर्म इकोलॉजिकल इम्पीरियलिज्म, ये था आपका अल्फ्रेड क्रॉस बाय के द्वारा। द बुक साइंस एंड पोइट्री इज रिटन बाय आई ए रिचर्ड बी।
एंड द वर्ल्ड बाय माय वाइल्डनेस अ नावल बाय रोज मैकाले, इसका आंसर है आपका फर्स्ट पोस्ट वॉर नावल। एंड द प्री रेफलाइट मूवमेंट इन लिटरेचर वॉज बेसिकली इंस्पायर्ड बाय पेंटिंग एंड द लिरिकल बैलेड वॉज पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1798। सो ये आप वीडियो दोबारा देख के अपना चेक कर सकते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स, होपफुली कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो अच्छे से हुआ होगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, गुड लक।